गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। तो जैसा कि यार कल काजा से हम कल्पा अराउंड 7 या 8 बजे तक आ गए थे। उसके बाद हमारा प्लान था कि मॉर्निंग में आज होली खेलनी है, तो कलर्स वगैरह हमारे दीपक भाई ने कल अरेंज करवा लिए थे। वैसे कि यहाँ पे किन्नौर में होली 3-4 दिन तक लगातार मनाई जाती है, जैसे 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। वैसे एक्चुअल होली 25 की है राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया में, बट उत्तराखंड हिमाचल यहाँ पे 10-15 दिन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और अभी यार हम जाएंगे सीधे सुसाइड पॉइंट कल्पा में, जो है सुसाइड पॉइंट वहाँ जाएंगे। अराउंड 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे स्टे से, देन सीधे आज निकलेंगे शिमला के लिए। तो शिमला का डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर है, तो अब देखते हैं 7 या 8 बजे तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो वोल्वो है दिल्ली के लिए उसका टाइम अराउंड 9 बजे का दिया गया हमें। और जो हमारा टेम्पो ट्रैवलर है वो भी एक्चुअली रामपुर के बाद चेंज होने वाला है, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर हैं उनका कुछ नया रूट है, उनकी कोई नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है रामपुर से, तो हमारे को वहाँ से नए व्हीकल में चेंज कर दिया जाएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, अब थोड़ा लगेज वगैरह लोड करते हैं देन निकलते हैं सीधे। इसके अलावा यार यहाँ से पूरी ये जो माउंटेन रेंजेज है कितनी प्यारी लग रही है, और ये जो माउंटेन रेंज है यहीं पर किन्नर कैलाश है उसकी पीक भी दिखती है, जो अभी सुसाइड पॉइंट जाएंगे वहाँ रास्ते में दिखेगा। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है तो डेफिनेटली दिखी जाएगी वो। और वैसे प्लान तो यार सुबह निकलने का था अर्ली मॉर्निंग 8 बजे, पर अभी 10 बज चुकी है तो 11 बजे ही जाएंगे निकलते निकलते। तो कल हम जिस प्रॉपर्टी में रुके थे उसका नाम टैप एग्जॉस्टिक है। तो कभी भी आप कल्पा में आना चाहते हैं, क्योंकि मनाली शिमला के ओवरक्राउडेड हो चुका है, अगर आप वर्क स्टेशन या कुछ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो कल्पा या फिर चितकुल ऐसी रिमोट प्लेसेस पे आना ठीक रहता है। तो रूम वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है, खाना भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ आके रुक सकते हो, क्योंकि बालकनी से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है जो किला के राज की रेंज है। और यार हमारे पंकज जी हैं जो पूरे ट्रिप में यार इतना अच्छा हमें एक्सपीरियंस दिया इन्होंने साथ में, तो अभी वैसे रामपुर से नई ट्रिप लेके निकलेंगे। तो ये सुसाइड पॉइंट है किन्नौर का, इस पर पहले क्या क्लिफ बनी हुई थी, तो लोग क्या वहाँ क्लिफ पे बैठ के फोटो क्लिक करवाते थे, तो गवर्नमेंट ने बैरिकेड्स लगा दी चारों तरफ सेफ्टी पर्सपेक्टिव से। बाकी यहाँ से किन्नौर कैलाश की रेंज भी दिखती है, जो मैंने वीडियो में डाली, एक ऑरेंज कलर का फ्लैग सा दिखेगा उसमें। बाकी उसकी 6 दिन की यात्रा होती है यार, काफ़ी टफेस्ट ट्रैक है एकदम। तो अभी यार रामपुर में लंच के लिए रुके थे हम, तो अभी यहाँ से शिमला का डिस्टेंस अराउंड 110 किलोमीटर और बाकी है, और अभी बच चुके हैं शाम के 4। तो हमारी वॉल्वो का टाइमिंग वैसे 9:30 है, तो पहुँचने में अभी यहाँ से रामपुर से शिमला पहुँचने में समथिंग अराउंड 3 से 4 घंटे ईजिली लगेंगे। और ठीक है, लंच ठीक ठाक था यहाँ का, कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करी थी तो एकदम बेकार मिली थी, और बाकी अदर चीज़ें सब ओके थी। और मैंने जैसे कि बताया था हमारे न्यू टेम्पो में हमारे को यहाँ से जाना था, तो हमारे जो पंकज जी थे वो यहीं से रिटर्न हो चुके हैं, और अभी हम न्यू टेम्पो में जाएंगे। तो अभी लगेज वगैरह लोड करवा दिए, अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से।
तो यार फैमिली शिमला पहुंच चुके हैं और अभी हमारी वॉल्वो आने का टाइम वैसे 9:30 बताया, वैसे हम आधा घंटा पहले आ चुके हैं तो बैठेंगे उसके अंदर। बाकी डिनर वगैरह का यार मेरे को लग नहीं रहा कोई सीन बनने वाला है क्योंकि लंच इतना हैवी कर लिया था, और बस अब इसके बाद सीधे दिल्ली में मिलेंगे यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बस वॉल्वो में सोने का ही काम और कुछ नहीं है क्योंकि ओवरनाइट जर्नी है।